हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल बटन को हिट करें ताकि आप पा सकें मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भिंडी की सब्ज़ी बनाते वक्त आपको बहुत बार दिखता होगा कि बहुत ही स्टिकी सा हो चुका है, तो उसको हम हटाने के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे आधा लेमन। अगर आप आधा लेमन यूज़ करते हो तो ये बहुत ही अच्छे से स्टिकीनेस को दूर करती है। जैसे ही आप भिंडी डालो, एक बार हिलाने के बाद दूसरी बार आपको इसमें स्क्वीज़ करना है। स्क्वीज़ करने के बाद इसे हिला के अच्छे से लेड से कवर कर लें, इससे आपकी भिंडी की स्टिकीनेस चली जाएगी। अगर आप धनिए को एक से दो हफ्ते के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके रूट्स काट लें और धनिए को इस तरीके से छोटा छोटा टुकड़ा कर लें। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आप एक बॉक्स ले लें, वो वाला बॉक्स लें जिस जो एयर कंटेनर बॉक्स हो। तो एयर कंटेनर बॉक्स में अगर आप इसको रखोगे तो एक से दो हफ्ते तक ये धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस बॉक्स में रखने के बाद आपको जब ज़रूरत होगी तब आप थोड़ा थोड़ा धनिया इसमें लेके वॉश करके, अलग से वॉश करके आप अपने करी में डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ, अगर आपका जो ये एयर टाइट कंटेनर का ढक्कन है इसके अंदर अगर पानी आता है तो वो एयर टाइट कंटेनर नहीं है, तो आप एक अच्छा सा एयर टाइट कंटेनर लेके उसमें स्टोर कर लें। इस तरीके से करने से आपका जो धनिया है एक हफ्ते से दो हफ्ते तक बहुत ही अच्छे से फ्रिज में रहेगा। बहुत ही बार आपने देखा होगा कि कुकर बहुत जल्दी काला पड़ जाता है, हम कुछ भी नहीं करते फिर भी काला पड़ जाता है। तो इसके लिए आप इसमें मिनरल वाटर या तो फिर अच्छा पानी या तो फिर पीने वाला पानी आप इसमें डालें, और इसमें सॉल्ट वाटर बिल्कुल भी नहीं डालना है। उसके बाद इसमें आप नींबू डालें। इसके बाद आप बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एक बाउल ले लें, उसमें दाल चावल या तो कुछ भी रख लें और धोने के बाद इसे इसके अंदर रख लें, और जिस तरीके से हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उसी तरह से ढक्कन लगा के विजिल लगा के आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार ही आपने देखा होगा कि गार्लिक का टेस्ट नहीं आ रहा है कटरी में, तो अगर आप चाहते हैं कि गार्लिक का टेस्ट आए तो इस तरीके से आप कूट लें गार्लिक को। गार्लिक को कूटने के बाद इसे तेल में डाल लें और इसकी वजह से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अगर आप छोटे छोटे टुकड़े डालते हो तो वो थोड़ा कम फ्लेवर देता है, अगर आप इस तरीके से डालोगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। जैसे ही कुकिंग हो जाती है आप इस गार्लिक को रिमूव भी कर सकते हैं। बहुत ही बार हम ट्राई करते हैं कि करी कलरफुल दिखे, तो इसके लिए आप एक काम करें, तेल में थोड़ा सा हल्दी डाल लें और इसे अच्छे से मिला लें। इस तरीके से मिलाने से जो हल्दी का कलर है वो बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो जाता है ऑयल में और आपकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से कलरफुल दिखेगी। कैलीफ्लावर में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जो हमारे को दिखाई भी नहीं देते हैं, तो उन कीड़ों को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो एक बाउल में वाटर ले लें और जिस तरीके से भी आप चाहते हैं उस तरीके से काट लें और इसे गैस पर रख लें। रखने के बाद इसमें आधा चम्मच आपको इसमें सॉल्ट डालना होगा, तो सॉल्ट डाल लें इसमें और इसे अच्छे से मिला लें। एक बार इसे बॉयल कर लें, बॉयल होते ही आपके जो भी कीड़े हैं ऊपर आ जाएंगे और उस वाटर को रिमूव करके आप कैलीफ्लावर को अच्छे से कुक कर सकते हैं। बहुत ही बार आटा जो है बच जाता है और इसे हम फ्रिज में रखते तो ये काला पड़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये काला ना हो तो इसके ऊपर एक बूंद ऑयल डाल लें और इसे अच्छी तरह मल लें। मलने के बाद इसे आप एक ऐसे बॉक्स में रख लें जिसका कवर बहुत ही अच्छे से कवर होता हो, और आप कोई भी कटोरी में रख के इसे कवर ना करें। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर भी ये काला पड़ जाता है, तो आप ऐसा कोई बॉक्स ले लें और इसके ऊपर ढक्कन लगा लें। जनरली मिर्ची जो है एक या दो हफ्ते में बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। हम इसकी जो है ऊपर का जो पार्ट रहता है वो भी रिमूव कर देते हैं, फिर भी ये जो है सड़ जाता है। अगर आप इसे बहुत ही अच्छे से वन मंथ के लिए स्टोर करना चाहते हो तो इसे एक कवर में डाल लें और इस कवर को आपको ओपन करके ही फ्रिज में रखना है। अगर आप इसे कवर कर देते हो, मतलब फोल्ड करके रखते हो बंद करके, तो ये सड़ जाता है। तो इस तरीके से अगर आप फ्रिज में रखोगे तो आपकी मिर्ची एक महीने तक ऐसी ही रहेगी। आपने देखा होगा एक या दो दिन में पालक बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि एक हफ्ते या तो दो हफ्ते के लिए इसे स्टोर करना है तो आप एक पेपर ले लें और पेपर में इसे अच्छी तरीके से रैप कर लें। तो जो भी लीफ
वेजिटेबल्स होती हैं उन सभी को आप इस तरीके से रैप करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो ध्यान रखें इसके रूट्स कट कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो रूट्स कट करने के बाद इसे इस तरीके से रैप कर लें और फ्रिज में रख लें। इसे कोई भी कवर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसी तरीके से एक या दो हफ्ते तक बहुत ही अच्छे से रहेगा फ्रिज में। गार्लिक पील करना बहुत ही मुसीबत की काम होती है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रिक दूंगी जिससे आप गार्लिक को बहुत ही अच्छे से पील कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहला सॉफ्ट कॉर्नर जो है पहला, उधर से आपको इस तरीके से कट करना होगा और इसे पील करना होगा। इसे इस तरीके से पील करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा कवर दिख रहा है इसका, मतलब छिलका दिख रहा है। तो इस छिलके को आप इस तरीके से पकड़ें और पूरी तरीके से रिमूव कर लें। सिर्फ एक सेकंड में आप इसे बहुत ही आराम से रिमूव कर सकते हैं और इसी तरीके से आप अगर रिमूव करेंगे 5 मिनट में तो बहुत सारे गार्लिक आप पील कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और किसी को बताना हो तो शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए अगर आपके पास भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं लेकर आ रही हूँ बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।